हवाला के जरिए सत्तारूढ़ दल के विधायकों को पैसा दिया गया था, क्या नीतीश सरकार को गिराने के लिए यानी एनडीए की सरकार को गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई थी? हमारे साथ अभी सुधांशु शेखर हैं, जेडीयू के विधायक हैं। उन्होंने कोतवाली में एक केस किया था कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई थी। नीतीश सरकार जब आरजेडी के साथ 2020 में जब उन्हें मैंडेट मिला था तब वो सरकार में आए थे, उसके बाद जब पलटी मारे थे नीतीश कुमार ने, आरजेडी के साथ चले गए थे, और आरजेडी के बाद जब एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी उसके बाद उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। इल्जाम यह भी लगा था कि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, और जो तेजस्वी यादव उस समय बोलते थे कि फ्लोर टेस्ट के समय में खेला होवे, वो खेला क्या था वो सुधांशु शेखर जेडीयू के विधायक जो कोतवाली में केस दर्ज कराए थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली थी। सुधांशु जी अभी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, क्या मामला था पूरा, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली थी और सत्तारूढ़ दल के विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, 12 फरवरी का जो सरकार जो बन रही थी तो उसमें जो खेल जो रचा गया था महागठबंधन के साथियों के द्वारा, तो उसमें प्रलोभ भी दिया गया था, उसमें से एक हम भी है, मुझे भी प्रलोभ दिया गया। लेकिन हम तो सच्चा नीतीश जी को मानने वाले लोग हैं और उनके आधार पे हम चल रहे हैं, तो उसी मामला में हमने कोतवाली थाना में एक FIR किया था, उसकी जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट में अभी तक क्या हुआ है ये मुझे जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि EOU अब इस पर जांच शुरू कर चुकी है। सुधांशु जी से यह भी जानेंगे कि आपको कितने पैसे का प्रलोभन दिया गया था, और सुना जा रहा है कि दिल्ली, UP और नेपाल से भी हवाला के जरिए पैसे देने की बात कही गई थी, तो आपको कितने का पैसे का देने की बात कही गई थी, कितना पैसा देंगे और किस तरह से आपको एब्सेंट रहना है या फिर क्या करना था, क्या हिदायत दी गई थी, यह बता दे जरा। ये तो पैसे का प्रलोभ तो दिया ही गया था, उसमें था? उसमें 5 करोड़ का था, 5 करोड़ का, और एक मंत्री पद था, लेकिन हम ये सब माने नहीं और हम अपने सरकार के साथ रहे, सरकार के समर्थन किए और सारी बात हम अपने नेता को बता दिए। अच्छा सुधांशु जी, ये भी बताइए कि ये भी खुलासा आज कर ही दीजिए कि आपको जो प्रलोभन दिया गया था 5 करोड़ रुपए राशि देने की बात कही गई थी वो किसके द्वारा कही गई थी? वो बता रहा था कि वो कौन है, किस दल से है या किसके बिहाफ में वो काम कर रहा है? महागठबंधन के साथी थे, महागठबंधन के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया। महागठबंधन में बहुत सारे कांग्रेस भी हैं, RJD भी हैं, CPI CPIML भी हैं, कौन सी पार्टी के नेता थे जिन्होंने आपको ये? हमने आवेदन में पूरी डिटेल से हमने दर्शाया है किस मोबाइल नंबर के द्वारा ये मुझे बात किया गया है, उस सारा नाम के साथ हमने दर्शा दिया है। क्या वो RJD के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, कौन थे? RJD के भी थे, कांग्रेस के भी थे। उन लोगों ने बात की थी। EOU द्वारा अब जो है वो जांच शुरू कर दी गई है, जाहिर तौर पर आपसे भी पूछताछ होगी, तो आप इसके लिए तैयार हैं पूरा? आपके पास तो सारा डिटेल्स है, आपने बताया कि कोतवाली में आपने सारा प्रूफ भी जमा कर, आपके पास भी और भी कोई प्रूफ है? और आपके साथ साथ कितने विधायक थे, उन्होंने क्या कहा था, कितने विधायकों को तोड़ना है? 10-12 विधायक का नाम जो चल रहा था उस सभी को महागठबंधन की तरफ ले जाना है, तो उसमें से एक हम भी थे लेकिन हम नहीं गए उसमें। और कुछ विधायकों का नाम लेंगे आप, कौन कौन थे? हम सब दिया हुआ है लिखकर, मैंने आवेदन में स्पष्ट रूप से हम दिए हुए हैं। आप उसकी जांच चल रही है, जांच चलने दीजिए, जो नतीजा होगा वो सबके सामने होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि RJD की तरफ से पूरी तरह से खेल खेला गया था, जिस समय जब फ्लोर टेस्ट की बारी थी 12 फरवरी को, तो उस समय तेजस्वी यादव कहते थे कि खेला होवे, तो क्या यही खेल था? ये तो सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है क्या खेला होने वाला था और किस तरह से हम लोगों ने सरकार को बचाया, ये पूरा बिहार की जनता देख रही है। तो ये थे सुधांशु शेखर। और सुधांशु जी, और कुछ ऐसी बात है जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बिहार की जनता को, कि ये जो इंडिया अलायंस है किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को या जो सरकार जो चल रही है उसे गिराने की कोशिश के लिए कुछ भी कोई भी हद पार कर सकती है? ये हमारा जो अभी सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जितने भी काम हुए हैं और वो जो भी कदम उठाए हैं जनता की भलाई के लिए किए हैं, और इस सरकार में
जो भी गड़बड़ी किए हैं वो बख्शा नहीं गया है, उसको उनको सजा जरूर मिलेगी। जो भी इस तरह की घटनाक्रम किए हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। कशिश न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद आपका सुधांशु जी। धन्यवाद आपको भी बहुत। तो ये थे सुधांशु शेखर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने केस किया था और किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग और हवाला के जरिए सत्तारूढ़ विधायकों को, 10 से 12 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी ताकि फ्लोर टेस्ट के या तो वो एब्सेंट रहे या सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दे, ताकि नीतीश सरकार जो एनडीए की सरकार थी बीजेपी और नीतीश कुमार की, वो सरकार यहाँ पर गिर जाए और महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बन जाए। जैसा कि सुधांशु शेखर ने खुद बताया कि उन्हें 5 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया गया था और साथ ही सरकार बनने पर उन्हें मंत्री पद भी दिया जाता। अब इस मामले की जांच ईओयू द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ईओयू जब जांच करती है तो इसके लपेटे में कौन कौन आते हैं। ऐसे यह कहा जा रहा है कि ये चर्चा भी है कि इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जनता दल का महत्वपूर्ण रोल था। कैमरामैन सुनील के साथ नीलकमल, कशिश न्यूज़, पटना।